घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। अरे मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आटा गोंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहने सोच रही कि मोली साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है दो दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया। सिकंदर बादशाह का नाम सुने? अरे बोलो भाई। सात मुल्क का बादशाह था ये, सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री था, इंडिया का भी प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, ईरान का भी प्रधानमंत्री था। सात मुल्क का बादशाह था, इतना बड़ा बादशाह, सातों मुल्क में अकेले हुकूमत करता था सिकंदर बादशाह। जानते हो, सुनो, जब आखिरी वक़्त आया मौत का, आखिरी वक़्त आया, सिपाही सारे लोग खड़े हैं, घर वाले, वज़ीर, नौकर, सिपाही सारे खड़े। सिकंदर बादशाह ने एक वज़ीर को बोला, बोला इधर आओ, कलम लाओ, कॉपी लाओ, ये मेरा आखिरी वक़्त है। तो कॉपी कलम लाया एक आदमी, बोला कि हज़रत क्या करेंगे? बोला इसमें लिखो, इसमें लिखो, कागज़ में लिखो कि सिकंदर जब मर जाए, जब उसे नहला कर कफन पहनाया जाए, तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना, कफन के अंदर में हाथ ना रहे। तो लोगों ने कहा कि हजरत कफन पहनाया जाता, पूरे बदन में पहनाया जाता, हाथ को छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेगा? तो सिकंदर ने कहा कि लोग क्या कहेगा, नहीं कहेगा, उससे मतलब नहीं है, हम जो कहते हैं वो करो, हम जो कहते हैं, अरे भाई बोलो भाई, वो करो, मेरे हाथों को बाहर रखना, कफन में नहीं रहेगा, जिस्म में कफन रहेगा, हाथ में कफन नहीं रहेगा, हाथ को बाहर ऐसे रख देना मेरा, तब जनाजा मेरा लेकर जाना। सिकंदर बादशाह मर गया, हुक्म के मुताबिक गुसल दिया गया, कफन पहनाया गया, कफन पहनाया गया, दोनों हाथों को बाहर रख दिया। लोग हैरत में पड़ गए, भाई पूछने लगे कि भाई ये हाथ को अंदर करो। बोला कि नहीं, उनकी वसीयत है, मरने वाले की वसीयत है, बादशाह की वसीयत है, प्रधानमंत्री की वसीयत है कि अपने हाथ को, दोनों हाथों को मेरा बाहर रख देना। तो किसी अल्लाह वाले से लोगों ने पूछा कि हजरत आखिर इसमें क्या राज है, क्या बात है, आखिर सिकंदर बादशाह ने ऐसा वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथों को कफन से बाहर रख दें? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, सिकंदर बादशाह दुनिया वालों को दिखाना चाहता था, दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता था कि लोगों देखो, वो सिकंदर जो सात मुल्क का बादशाह था, आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, इस दुनिया जा रहा है, बोलो भाई बोलो, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं आया था, कुछ लेकर नहीं जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे, इसलिए वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा रहना है। तो इंशाल्लाह तैयारी करेंगे मेरे भाई, भाई तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, हाथ उठाओ, मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग तैयार हैं जन्नत में महल बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है कि जन्नत में महल हम बनाएंगे। तो ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक बात याद रखिएगा, देखिएगा, जो सखी है, एक है सखी, एक है बखील, एक है सखी, एक है, बोलो भाई, एक है सखी, एक है बखील। सखी किसे कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करने वाले को, लुटाने वाले को,
भूखा को खाना खिलाने वाले को, प्यासे को पानी पिलाने वाले को, कदंगों को कपड़ा पहनाने वाले को, अल्लाह के रास्ते में बेशुमार जो लुटाए खर्च करे उसे सखी कहते हैं। उसे आप बखील किसे कहते हैं? बखील किसे कहते हैं? बखील वो है जो टाका पास में रखे लेकिन दूसरे का चाय पी ले, दूसरे का पैसा का पान खा ले, दूसरे का पैसा का गुटखा खा ले, अपना चवन्नी ना खर्चा करे। तो बखील के चार क्वालिटी हैं। ए बाबू ए इधर देखो, बखील के क्या क्वालिटी है बोलो। अरे बोलो भाई क्या क्वालिटी है? चार। गिनती करो, बखील कितना हुआ? जोर से बोलो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और एक बात याद रखो, बखील, कंजूस, कंजर, मक्खी चूस, ये एक ही आदमी है। तो जो कंजूस है जन्नतों तो नहीं जाबे, कंजूस जन्नतों। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर वो नमाजी हो सही है कि कंजूस है लेकिन नमाज पढ़ता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में। अरे बोलो भाई जन्नत में। दूसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो, मुस्तफाए कायनात ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, अगर वो बखील है जन्नत उतनी जाबे। तीसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है जन्नत में। जरा जोर से बोलो जन्नत में नहीं जाएगा। तो पता ये चला, हदीस के अंदर में आता है कि बखील कंजर अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है जिसका हाथ खुला हुआ है वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। इसलिए मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, सखी बनो। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की शायद छत ढलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पलस्तर है माशाल्लाह। हमारे हजरत मौना रिजवान साहब दामद बरकात हूँ और यहाँ के इमाम साहब ने कहा कि मस्जिद का पलस्तर है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैंने कहा था कि आप जन्नत में महल बनाइए, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहो लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। आपने वादा किया है कि इंशाल्लाह हम महल बनाएंगे जन्नत में, तो मस्जिद बना दो ना। अल्लाह ने पैसा दिया मस्जिद में, पैसा दे दो, चंदा दे दो, अपने पैसे से मस्जिद बना दो। आप मस्जिद बनाओगे अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा। और अल्लाह का वादा कच्चा वादा नहीं होता, अल्लाह का वादा ढील भुसिया वादा नहीं है। अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाह हक्कुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा हक है। अल्लाह ने कह दिया तो कह दिया। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। है कोई पहला नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, हम बेसी नहीं है, आमी ओनार जुन्ने 10 दुआ कर बोल, अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 दुआ करेंगे उसके लिए। है कोई ऐसा पहला सखी, पहला मुसलमान, पहला कोई नौजवान 5,000 रुपये जामे मस्जिद की अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी कामों में हिस्सा लेना चाहता हो, कोई मुसलमान हो जो परेशान। अच्छा देखिएगा, ये अल्लाह को आप कर्जा देंगे, ये जो चंदा दीजिएगा पैसा दीजिएगा ये अल्लाह को कर्जा देना होगा। मेरी बहन ने 5,000 तो नहीं 1,500 रुपये इनायत की है। क्या नाम बहन? रहीमा खातून। रहीमा, रहीमा खातून। देखो अभी मर्द की तरफ से देखिए कोई नहीं हिला, कोई हिला तक नहीं। चंदे की बात जहां शुरू होती है ना, ऐसे करेगा जी। हमारी माँ बहनों को देखो, अरे 5,000 मांगे 1,500 तो दी,
1500 तो दी, ये उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जिस बहन ने भी ये 1500 रुपये दी है, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान हमारी माँ बहन है आपके तरफ से, कोई ऐसी मेरी बहन है जो गलार चैन छे चैन दिए दो, हाथेर कंगन छे दे दो, नाकेर फूल छे दिए दो, कानेर झुमका छे दिए दो, पार पाजेब छे दिए दो, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी बेहतर जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। इसलिए कि अल्लाह का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा सच्चा है। मेरी माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है, तुम उसकी बेटी हो, आज अपनी जेवर खोल कर अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तुम्हें बेहतर जेवर पहनाएगा। माशाल्लाह। है कोई मेरा भाई भाई 5000 वाला पहला आदमी कोई तैयार हो जाए 5000 वाला। ए नौजवान आया 5000 वाला, ए देखिए माशाल्लाह, देखिए नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा, फोन पे है फोन पे कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए, पैसा नहीं है तो भुट्टा दे दिए, भुट्टा नहीं है तो मकई दे दिए, मकई नहीं है तो धान दे दिए, धान नहीं है तो गेहूँ दे दिए, गेहूँ नहीं है तो चावल दे दिए, चावल नहीं है तो दाल दे दिए, सोना चांदी जो देना है दे दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए बैठा हुआ है कोई पहला। अब्दुल रहीम साहब ने 15 बोरी सीमेंट इनायत किए हैं। मोहम्मद साजिद बाबू 15 बोरी सीमेंट, 15 बोरी दिया, 6 बोरी के बाद 21 बोरी हो जाता है, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए 15 दुआ करेंगे इंशाल्लाह, 21 बोरी कर दो इंशाल्लाह। चलिए 21 बोरी सीमेंट माशाल्लाह अब्दुल रहीम साहब ने, 21 बोरी का दाम कितना हो गया भाई, 4, 8, 12, 16, 20 कत हो लो 4, 8, 12, 16, 20 5 बोरी का 2000, 10 बोरी का 4000, 20 बोरी का, अरे बोलो भाई तकरीबन 10000 हो गया 21 बोरी सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, देने वाला 10000 दे रहा है, ये अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम नहीं है तो क्या है। तो मुसलमानों मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे, नो अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई में घर में दाने दाने बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत देखिए मेरी बहन ने 2 कंगन दिए हैं, ए लीजिए मंसूरा खातून ने, ए देखिए देखिए ए देखिए मंसूरा खातून, देखिए आप बैठे रह गए। एक भाई इरशाद साहब ने 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह तेरे को कबूल फरमाए। आप सोचते रह गए, मेरी बहन ने हाथों से कंगन को खोली मस्जिद में दे दिया, ये बताओ ये जन्नती है कि नहीं है। अबे बोलो भाई जन्नती है कि नहीं है, आमीन बोलो ना इंशाल्लाह। आमीन। देख लो ये बहन का नाम क्या है, मंसूरा खातून। जरा दोनों हाथ उठा के इस बहन के लिए नारा लगा, इस बहन के लिए नारा लगा दिए, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मंसूरा खातून अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ये हमारी बहन मंसूरा खातून के दान को कबूल करे, नो अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बाल बच्चों की जिंदगी में बनाए रखना, अल्लाह मंसूरा खातून के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह मंसूरा के बच्चों को या अल्लाह हाफिज़ कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। हमारी कोई जो मंसूरा बहन ने ये कंगन दी है उन्होंने 1000 रुपये इनायत किए, देखिए 1000 रुपये भी दी है, अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह 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 इसका जजा यहाँ भी दे आखिरत में भी अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है हमारी कोई दूसरी बहन, ये कंगन का जोड़ा लगे दो, एटा हाथेर जोड़ा लगे दो इंशाल्लाह, नाकेर फूल आछे, कानेर झुमका आछे, पार पाजेब आछे, गलार चेन आछे, ए इंशाल्लाह दिए दो, आमी तुम्हार जन्ने दुआ करे देबो इंशाल्लाह। भाई भाई अब्दुल रहीम भाई एक आदमी हो गए, मुझे तो 5 आदमी चाहिए, 5000 वाले दूसरे नंबर पे कोई सखी है भाई, एक नौजवान और आया भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ए तीसरा नौजवान आ गया, ए देखिए माशाल्लाह। हजरत नारा लगा देना, नारे तकबीर माशाल्लाह, बहुत खूब
देखिए माशाल्लाह 7,000 रुपए नजरुल हक साहब ने अपने माँ बाप के नाम से 7,000 रुपए लाए। देखिए नजरुल बाबू का हौसला देखिए, हम 5,000 मांग रहे हैं वो 7,000 रुपए दे रहा है। हे 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 माशाल्लाह माशाल्लाह वाह वाह मुजीबुर रहमान और उनकी अहलिया के नाम से ये 7,000 रुपए दिए हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे, अल्लाह इन अरदान को कबूल करे नो ए अल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में बरकत दे, घर में बरकत दे अल्लाह, कारोबार में बरकत दे अल्लाह, इनके माँ बाप को या अल्लाह करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, इनके माँ बाप की कब्र को नूर से भर दे, रोशन फरमा दे अल्लाह, इसके दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अब्दुल समद साहब बिघोर हाथ के अल्लाह देने को कबूल फरमाए, उनके जायज मकासिद को समझना को पूरा पूरा कामयाबी फरमाए अल्लाह, आपके मरहूमीन को मगफिरत फरमाए आमीन सुमा दे। दादा दादी के नाम के बच्चा ने 500 रुपए दिया अल्लाह कबूल करे। नारे तकबीर, मोहम्मद मुमताज आलम साहब ने 1 क्विंटल गेहूं इनायत किए हैं।